नाम नहीं है वहाँ, दूसरा कुछ नहीं। इधर बहुत सुंदर सुंदर प्लेस है, इधर सुंदर सुंदर घूमने का प्लेस है। हाँ, यहाँ बहुत घूमने का जगह अच्छा है। यहाँ पर ऐसे यहाँ वो आपको तो आए होगा है ना, यहाँ कैसा है बात है कि पैसे होने आर्मी लोग बहुत अच्छे से घूमता है यहाँ पर। देखिए कोई कोई आर्मी तो सब एक बराबर नहीं होता, किसके पास पैसा है किसके पास पैसा नहीं है ना। अगर हम बोले कि हमको घूमना है तो हम नेपाली में इसको क्या बोलेंगे? घूमने क्या? हाँ, अगर मैं बोलूंगा मैं घूमना चाहता हूँ यहाँ पे घुमा दो, नेपाली में क्या बोलेंगे? मैं घुमा जो। अच्छा, घूमे छो? मैं घुमाई अच्छा कभी पैसे लेने हम लोग सीख जाएगा ये भाषा एक साल रहा तो सीख जाएगा ना, तो पैसे लेने हम लोग को बंगला हम लोग को बंगला हिंदी आता, हमको तेलुगु जो सब जगह पर घुमा दो, सभी घुमाई दो कभी पैसे लेने। अच्छा, वो बोला है कितना पैसे देगा हम घुमा दो। आराम से बोलने में समझ में आ रहा है, जल्दी बोलता तो समझ में नहीं आता। यही लोचा हो जाता है। ये तो आपको यहाँ हम लाया था ना, बहुत सस्ता में ला दिया है। अच्छा, कम से कम 1200-1300 रूपए चाहिए। आप पसंद आया, आप अच्छा लगा, इसलिए आपके पास रिटर्न आया। हमने मुख से बोल गया, 900 रूपए हम बोला। देखिए आपको 500, 300, 800 यही तो प्यार है। नहीं, वो बोला ना आदमी को ये प्यार ऐसे बरकरार रहे, पैसा ठगने नहीं आता है। ठगना नहीं चाहिए टूरिस्ट को, एकदम नहीं ठगना चाहिए, ठगना नहीं होगा। फिर कभी तो कोई जाएगा यहाँ का आदमी इंडिया, तो फिर उसको भी ना ऐसा हो जाए, इसलिए भलाई करो भला होगा। इंडिया में ऐसे है, हमने तो किया नहीं लेकिन सुना है। वहाँ भी बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ बेकार है। अब 100 आदमी से 50 आदमी अच्छा था, 50 आदमी खराब रहता है, बात वही है। जैसे बोला जाता है पांचों उंगली बराबर नहीं है, नहीं उसे इंसान में बराबर। हाँ, वही चीज। आप थोड़ा आगे आया है, आप थोड़ा सा पीछे आने से आपको बहुत दसाई लोग हम लोग का घर जाता सर सब देखने के मिलेगा। अच्छा, थोड़ा आगे आया आप लोग। कब से स्टार्ट हुआ? अब ये फागुन महीने, चैत्र महीने, अप्रैल में, होली में आएगा है ना। होली तो होली तो 18 को है। होली को आपको 8 तारीख में है, हमारे नेपाली 30 तारीख में। अच्छा। और हम लोग को नहीं पता था ना, इससे हम लोग बस प्लान किया निकल गया। ऐसे होता है। कैसा है कि वो थोड़ा सा देर से आया तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये हम लोग का ये तीन होली का दो तीन होली का दो हफ्ते एक हफ्ते पीछे घोड़ा का रेस होगा। का वो सब गवर्नमेंट ने करता है। अच्छा, है ना, वो घोड़ का रेस होगा, हम लोग का यात्रा होता है। वो मंदिर लाएगा, मंदिर उठा के लेके आएगा, घुमाएगा, अच्छा पूजा करेगा, दर्शन करेगा, कोई दारू पिएगा, कोई छंग पिएगा, वो मस्ती में उन लोग झगड़ा भी करता है, जो भी होता है यहाँ पर। मैंने इंडियन होली जैसा ही है। वो हम लोग का गणेश मंदिर, कुमारी मंदिर, सब मंदिर उठा के लेके आगे दारू पी के सब लोग घुमा देता है। देखने और जो मखोटा पहन के डांस किया जाता है ड्रैगन वाला, वो हम लोग का कब होता है? वो हम लोग लाखे बोलता है, लाखे प्याखा बोलता है। लाखे प्याखा मतलब हिंदी से नाचने वाला, लाखे को नाचने वाला बोलता है। उन लोग मंदिर है, भवानी है, भगवानी है, उन लोग का जो रूप लगाता है ना वो भगवान का रूप से आता है। उन लोग कब होता है? अभी नहीं हो रहा ना, अभी नहीं होगा। कब होता है वो? वो दसहरे के बाद। और यहाँ पे अच्छा जगह कौन सा जहाँ पे जाके देख सके? और यहाँ पे देखने का बहुत चीज है, आपको तो लंबा लंबा का रास्ता है अभी तो। अब वो मंदिर गया है सांगा नहीं गया है, आपको थोड़ा दिखा देंगे पहले। ओके, घूमने का चीज है। और कुछ जगह था ना जहाँ अर्थक्वेक में जो टूट गया उसका ऊपर का ये मतलब म्यूजियम में नहीं दिया हुआ था? म्यूजियम में वो अर्थक्वेक आया था ना 2009 में ना 7 में 15 में तो ऊपर का तो टूट गया था। ओ, बाजार का नाम बाजार का आप बता रहे थे? नामचे बाजार ना, नामचे बाजार नहीं, मंदिर कोई टूट गया था। भक्तपुर में टूट गया है। भक्तपुर में आपको देखने में खूबसूरत था। वहाँ है आपको वहाँ मान फिल्म शूटिंग, बहुत फिल्म शूटिंग हुआ है वहाँ। अच्छा, भक्तपुर में। लेकिन वो बहुत लंबा का रास्ता है,
आपको झंडे आने में 2500 पड़ता है। बहुत दूर है यहाँ से ना? यहाँ दूर है। और सांगा? सांगा भी बहुत दूर है, जरा दूर है। यानी एक दिन और टाइम रहता तब घूम सकते थे। हम लोग को रात को आज बस है इंडिया, आज का बस है, आज का बस। हम लोग तो 6 दिन 5-6 दिन तो पोखरा में थे। आज सुबह है पोखरा से, आज और अभी आज रात को ही निकलेंगे। कल हम लोग का सुबह ट्रेन है 9 बजे रक्सौल से हावड़ा। अरे इसके बाद आपका कितने बजे का गाड़ी में? हम लोग 9 बजे का गाड़ी, शाम को 7 बजे शाम को 7:30 बजे प्लेन से? ना ना, वो ट्रेन से, ट्रेन से रक्सौल से। नहीं नहीं, यहाँ से कहाँ पर? यहाँ से वो गाड़ी बीरगंज, वो बस बस बुक किए ना, बस बुक किए, बस पार्क जाएंगे, बस बुक किए। आपको इतना अच्छा हिंदी कैसे आता? हमको देखो, हम लोग का हम पहला हमारा फसी का है ना, हलाल का दुकान था। अच्छा अच्छा, वो हम लोग बाहर एक मुस्लिम रखता है, उसे बात करके सीख लिया। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा हिंदी बोलते, बहुत अच्छा। लगता नहीं कि आपने पाली हो। जो भी सीख जाता है, आप ही यहाँ बैठे, आपको नेपाली भाषा में आएगा, टूरिस्ट से जल्दी भाषा आएगा, है ना। इंग्लिश सभी आता है? इंग्लिश नहीं आता है, नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आता होगा। हाँ, उन लोग बोलता है, समझता है, लेकिन उसको बोलने में हमको तकलीफ होता है। कैसे बोले कैसे बोले, ऊपर में मिला के बोलता है, एक तो ठीक है, उसे कोशिश करते रहिएगा। ये कौन सा गांव है? ये नक्साल है, नक्साल, दरसाल, नक्साल, नक्साल। अच्छा अच्छा, वहाँ नक्साल मंदिर है। अच्छा, वहाँ आपको मंदिर में जाने में 5000 रुपए लग जाएगा। वहाँ इधर दुर्गा मंदिर है, हाइट में बहुत हाइट में। अच्छा अच्छा, आपको ये पहले नहीं भेजा है, भेज गया तो अच्छा होगा ना, है ना। अब जाने के टाइम में भेज गया क्या घूमेगा, नहीं तो थोड़ा घूमते हम लोग, टाइम नहीं है हम लोग, बस टाइम नहीं है। पोखरा में बहुत टाइम बिता दिए, पोखरा में बहुत कुछ किया हम लोग, बहुत घूमने का। यहाँ पूर्वी नेपाल में बहुत घूमने का जगह है। पोखरा में तो खास इतना जगह घूमने का जगह तो नहीं है, उसमें क्या एडवेंचर करने के लिए, पैराग्लाइडिंग के लिए अच्छा है वो माउंटेन। यहाँ पर आप मंदिर, मंदिर ज्यादा है, मंदिर आपको मंदिर में गया तो आपको एक दिन में भी आपको मंदिर नहीं सकते। हाँ, इतना मंदिर, हर जगह मंदिर है, लंबा लंबा वाला जगह है पर सब दूर दूर पे बसा हुआ है ना। चलिए, आज के पहले पशुपतिनाथ मंदिर देखना था। नेपाल फेमस है पशुपतिनाथ और एवरेस्ट के लिए। और यहाँ के बारे में कुछ बताइए, कल्चर वाला कौन सा? बहुत जगह पर है, एक फोटो वहां निकाल लिया, आप देख लीजिए यहाँ पर, एक फोटो नीचे हो रही है, दूसरा फोटो है, फोटो खराब था उसको फोटो है, वहाँ आपको फोटो देखा था, आपको अच्छा लगा। संगा का वही 25-30 हजार टाइम लगेगा ना, बहुत शाम हो जाएगा। नहीं नहीं, शाम नहीं होगा, टोटल 2500 की 900 के बाद और 2500 के बाद में। यहाँ खाना और टैक्सी बहुत महंगा है। टैक्सी बहुत महंगा, टैक्सी दिखे ना अब, पहले हम लोग का टैक्सी का पेट्रोल का भाव 80-90 रुपए था, है ना, अभी बढ़ गया 150 रुपया। अच्छा, एक लीटर का इसको फर्क, पेट्रोल पे चलता टैक्सी की, डीजल पे चलता है? डीजल पे नहीं चलता, नहीं चलता। काय बोले तो ऊंचा नीचा ना, डीजल पे तो लोड नहीं ले पाएंगे। पशुपतिनाथ एक कुमारी है, ये अभी जरा स्तर में जाएगा वहाँ मिलेगा, ये भी वही मिलेगा, बैठी रहेंगी अभी। कुमारी देखे क्या है, दिखाइए यहीं से, दिखाइए ना फोटो में, दिखाइए। ये सांगा में, ये सांगा, ओ सांगा, ओ अच्छा, वो हाइट में है, बहुत हाइट में है, बकपुर। अच्छा, ये सब काठमांडू का सीन है? काल भैरव ये हनुमानगढ़ में है, ये रात दरबार है, ये सामने है ये। अच्छा, तो इस आने टाइम में जाएंगे कि उधर आने टाइम में जाएंगे ना? आप यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन अंदर जाने घूमना है तो आपको 100 रुपए देगा,
सब जगह घुमा के आ सकते हैं। वो राजा का गेट हुआ था ना, ये अंदर हुआ था, ये अमर का राजा था ना। सात तल मंदिर हनुमान मान सिंह हुआ ना, ये पर हुआ है अफ्तावर्धन का। तो देखिए ये रात दरबार है, ये है देखिए कौन सी, ये रात दरबार है, ये तो थमेल से पास में है ना, थमेल यहाँ आगे है, ये रात दरबार यहाँ पर ठीक है। ये भुटो पार्क का है, पीछे का है, ये सिमुनाथ में, ये बोरुनाथ है, ये रानी पुखरी है, ये भी तो बड़ा फेमस है। हाँ ये भी फेमस है, ये तो शंभुनाथ यही जा रहे हैं ना, सिमुनाथ है ब्रो, बोरुनाथ ये 150 किलोमीटर दूर है, 150 किलोमीटर दूर है जाइए, शंभुनाथ यही जा रहे हैं ना हम लोग, हम यही जाएगा, ये तो फेमस है। और शंभुनाथ भी है, ये पोखरा का है, ये भी तो पोखरा का, यहाँ तो गया, ये कृष्ण मंदिर का है, ये तो नेपाल में, नेपाल किस शहर में, ये जारापुर में है, ये 5-6 किलोमीटर है। पोखरा में कहाँ कहाँ गया आप जगह? पोखरा में यहाँ गए हम लोग, और बैट कैब यहाँ भी गए हैं, बिरबिरी ना क्या है म्यूजियम में भी गए, और ये